पर आज इन्होंने जितने सवाल मेरे से पूछे ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस आदमी के अंदर सवाल पूछने की वो होती है ना, इसका मतलब वो बहुत कुछ सीखना चाहता है, बहुत ही मतलब दिल से कनेक्ट वाले इंसान है अगर इन, क्योंकि ये वो कुछ करके दिखाने की इनके अंदर ना वो है, वो आज नहीं तो 6 महीने लगे चाहे 1 साल लगे, पर वो होगा। ਦੋ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਲੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੋ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਥਾ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾ ਥਾ ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੋ ਥੰਬਨੇਲ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੋ ਵਲੋਗ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਟੂਡੇ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਫੋਰ ਮੀ ਔਰ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਕੇ ਕੁਛ ਲਮਹਾਤ उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। पूछो क्यों, आई टेल यू, सत्या सागर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्लॉगर इन यूट्यूब इंडिया इंडस्ट्री और सत्या भाई से मिलने का जो मेरा एक ड्रीम है या एक मेरी चाहत है वो आज से नहीं करीबन 5 महीने 6 महीने से है एंड मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट करे उनको आज तक बट आई डेंट गेट नॉट ए सिंगल रिवर्ड फ्रॉम सत्या भाई बट टुडे इज़ द डे जब आज दिल्ली में करीबन 2 बजे इंडिया गेट पर उन्होंने अपना मीटअप रखा है सो आई हैव ए वेरी गुड गोल्डन चांस और मैं इस चांस को मिस आउट नहीं करना चाहता हूँ अगर आप YouTube देखते हो और YouTube में आप व्लॉगिंग देखते हो तो आपके लिए सत्या सागर को जानना आई थिंक आप ज़रूर जानते हैं बट फिर भी मैं बता दूँ सत्या सागर जो है YouTube इंडस्ट्री इंडिया के एक व्लॉगर हैं इस व्लॉगर का जो जन्म है वो करीबन 2 या 3 साल पहले ही इस इंडस्ट्री में हुआ है और देखते ही देखते राइट नाउ ही इज़ वेरी गुड एंड नॉन इंडियन ब्लॉगर एक तो उन्होंने यूट्यूब ब्लॉग इंडस्ट्री में अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना ली एक अच्छा खासा नाम बना लिया है और आने वाले टाइम में तो आई विश कि बहुत अच्छा नाम बनने वाला है और काफ़ी सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने वाले हैं सो ये चांस था मिलने का दोबारा आई डोंट नो कभी मिलना होगा कि नहीं मिलना होगा सो आई डोंट वॉन्ट मिस दैट अपॉर्चुनिटी समझ रहे हो ना आप मौका बार बार नहीं मिलता टाइम अराउंड हुआ होगा 1 o'clock 1 or 1:15 के आसपास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इजिली अपन लोकेशन पे पहुंच गए हैं अब इंडिया गेट के पास तो हम हैं अब बात ये आती है कि अपना भाई अपने को मिलेगा किधर ये सबसे बड़ी बात है तो थोड़ी देर में ढूंढते हैं उसको बताते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल ये है सामने नेशनल वॉर मेमोरियल और इसको भी देखने जाएंगे आज अगर टाइम मिला तो नेशनल वॉर मेमोरियल को एक्सप्लोर करने जाएंगे तो फिलहाल के लिए मैं बता दूं मैं इंडिया गेट के बिल्कुल सामने पहुंच गया हूं और जिन यूट्यूबर से मिलना है उनको मैंने मैसेज किया है होपफुली कि वो जल्द ही मेरा मैसेज पढ़ के एक स्टोरी का अपडेट दें ताकि हमें पता लगे कि वो कहाँ हैं और हम यहाँ पर हैं तो फिलहाल तब तक के लिए थोड़ा घूमते फिरते हैं और जब वो आएंगे और तब मिलेंगे देन मैं आपको मिलाऊंगा उनसे फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ सत्या भाई का और गंगानगर के चीते जो खुशियों में जीते हैं और उनके कुछ सब्सक्राइबर यहाँ आए हुए हैं अगर सत्या भाई टाइम से नहीं आ रहा तो सारे के सारे बंदे भाई ऐसा है चीता भाई नाम चीता पर टाइम पे नहीं आ रहा टाइम टाइम खराब कर दिया कंप्लेंट है ये कंप्लेंट चीता भाई तेज चलता है आप तेज भी नहीं चल रहे भाई स्लो चीते हो गए पोल्यूशन में ना चीते की रफ्तार धीमी होगी तो ये सभी लोग जो देख रहे हैं ना मेरे पीछे ये सब अपने सत्या भाई से मिलने आए हैं सभी के सभी सत्या भाई जल्दी आ जाओ यार इतना वेट मत कर रहा हूं जल्दी आ जाओ भाई कुछ कहना चाहते हो बोलो बस यही है कि भाई सारे मतलब अगर एक आज हम यहां पर गेट टुगेदर हुए हैं मतलब हुआ एक तो एक इंस्पायर होकर ही यहां पर हम सब इकट्ठे हुए हैं
तो आज भाई आ रहे हैं तो उनसे कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे आज। मैं कहना चाहूँगा सत्य भाई, अब आओगे ना चैनल सब्सक्राइब कराऊंगा भाई जल्दी आओ, बस यही वेट कर रहे हैं। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, वेट कर रहे हैं भाई, जल्दी आओ, एक घंटे से वेट कर रहे थे भाई, जल्दी आओ। देख लो यार, एक एक घंटा कौन वेट कराता है यार, बहुत धूप है, जल्दी करो यार, हालत खराब हो गई हमारी भाई, सबको कोल्ड ड्रिंक पिलानी पड़ेगी मैं बता रहा हूँ, और एक एक मैकडी का बर्गर भी भाई, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ। ये लो नई डिमांड, चिप्स भी चाहिए, चिप्स भी चाहिए सर, जल्दी आ जाओ बस सत्या भाई जल्दी आओ, अब तो इंतजार की हद होगी, इतनी देर में भग्गू को बुलाते तो वो भी आ जाते, जल्दी आओ। पहले स्कूल के गेट पे, अब इंडिया गेट पे, गुड़िया के लिए हमारे, हीर के लिए, इनका बजट, इनका बजट बहुत है, ये अकेला ही मेरे को लग रहा सब ले आया है, मतलब दोस्ती देख रहे हो कहाँ कहाँ तक पहुँच गई, गंगानगर के जीते सर के साथ पिएंगे ये भाई, ये तो मतलब इसको, इसको तो मैं संभाल के रखूंगा, इससे तो कभी इमरजेंसी में पिया ये हमारा छोटा टीचर है, छोटा टीचर, और हम छोटे से स्टूडेंट है। पूछो जी, आज ये जो है अभी आपका, मैं जो समझता हूँ गोल्डन पीरियड चल रहा है, बहुत कम लोग होंगे हम में से जो आपके स्ट्रगल पीरियड को जानते होंगे, उसके बारे में बताओ क्या स्ट्रगल किया था, और यहाँ पर आज खड़े हो हमारे सामने, कैसे खड़े हो, मतलब आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ जो है ना वो जान, ताकि मोटिवेट हो हम सब लोग, और हमने से कोई भी एक भाई दोबारा यहाँ खड़ा हो और आप 10 लोगों को मोटिवेट करो। किसी का कैमरा पकड़ाओ भाई, मेरा ही ले लो, ये मान लो ये कैमरा था तो मैं ऐसे रखता होता और मेरे को ऐसा लगता है मैं बात क्या करूँगा, शुरू कहाँ से करूँ और आगे बात बढ़ाऊँ कैसे, क्योंकि एक होता है ना कि हम जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो अगली बात अपने आप निकलती जा रही है, उस टाइम पे ऐसे होता था यार मैं बोलूँगा इधर देखूँ तो जाता रहता था कभी ऐसे वैसे, बहुत सारा टाइम तो ये हुआ। फिर उसके बाद मेरे को समझ में आया जब मैं लोगों को देखता था कि ब्लॉग को शुरू कैसे करूँ, जैसे अब मैं बोलता हूँ कितना सारे वधिया, उस टाइम तक फिर मेरे को लगा कि मैं करता हूँ, अगर मैं ये सोचूंगा मैं अपना बेस्ट दूंगा तो बेस्ट के चक्कर में मैं जो अभी कर रहा हूँ वो कभी कर ही नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मैंने वो टाइम पे ये सोच लिया कि मैं गलतियाँ करूँगा, गलतियाँ करते करते सीखते सीखते ही चीज़ बनेगी, अगर मैं ये सोचूँगा पहले दिन ही बेस्ट दूंगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इम्तियाज़ बन के और पहले दिन ही मूवी बना दूँगा, तो हर दिन मैंने मिस्टेक की और अपनी मिस्टेक से सीखता रहा। ये जो स्माइल है ना, ये स्माइल बहुत सारी टेंशन और जो प्रॉब्लम्स होती है ना उनको 10 मिनट के लिए तो कम से कम दूर करती है। दैट इज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू कि आप 10 लोगों को के चेहरे पे स्माइल लेके आते हैं। थैंक यू जी, लव यू यार, ये भाई आई लव यू। स्माइल अच्छी है, कौन सी स्माइल नकली है, आप कौन सी बात सही बोल रहे हो, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा क्योंकि वो मैंने जिया है वक्त में, तो अगर आपने वो जिया नहीं होएगा तो लोग आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाए, आप किसी को बता भी नहीं पाओगे कि मैंने क्या गलतियाँ की और क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और क्या सही है। मेरे को वो जगह पर पहुँचने का इतना नहीं है जितना यहाँ पर ये लोग खड़े हो, मैं ये लोग कमा रहा हूँ, मैं वो वाले लोगों को कमा के वो तो जब बुलाएंगे तब भी बुलाएंगे, पर मोहब्बत तो यहाँ से आ रही है ना, और अगर मैं ये मोहब्बत से मैं मोटिवेट होकर रोज ब्लॉग बना रहा हूँ तो एक ना एक दिन तो उनको बुलाना ही पड़ेगा। लोग मेरे को कहते तू ना तेरी फैन फॉलोइंग बढ़ गई, मैं अच्छा कब मेरे को तो पता ही लगता, मैं कई बार निक्कर में उतर जाता हूँ, चलो यार मोमोज खा के आते हैं, क्योंकि 2-3 महीने का बॉम्बे पहुँचता हूँ और मैं चला गया निक्कर में और सब्सक्राइबर मिल गए, कह रहे सर आप तो ऐसे ही घूम रहे हो, तो मैं कह रहा ऐसे ही हूँ नहीं एक्चुअली ना मैं सोच के आया था मुझे पूछना है, जो जितने सवाल करता है ना वो अपने आप को उतना ही सॉर्ट कर रहा है, शायद आप लोग वो सवाल नहीं कर पा रहे पर आपके भी आपसे ये इतने सवाल कर रहा है कि आप सब लोगों को आंसर मिल रहा होगा मुझे लगता है। मेरा मोटिवेशन सत्या सागर के मीटअप में जो फील थी ना बॉस, बिल्कुल एकदम लिटरली बताता हूँ आप लोगों को मीटअप की फील क्या होती है, मैंने फील, मतलब लोगों के लिए वो मीटअप था बट मेरे लिए वो 1-on-1 कन्वर्सेशन थी। मैंने सत्या सागर भाई का बहुत ज़्यादा टाइम लिया एंड बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सवाल मैंने उनसे पूछ डाले, बिकॉज जितने भी मेरे माइंड में कन्फ्यूजन्स थी, जितने भी क्वेश्चंस थे, जितना भी डर था वो सब मैंने उनसे पूछ लिया एंड ही गिव मी 100% सेटिस्फाइड आंसर। बहुत अच्छा मोमेंट था जब सत्या भाई ने मेरे लिए कुछ बोला ना, मतलब मैं इमोशनल हो गया यार,
सच में आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलते हो जो आपको इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेट करता है, और वो फर्स्ट टाइम आपसे मिलता है एंड देन आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोलता है, आई वॉज टोटली शॉक्ड. सत्य भाई का मीटअप था और मतलब दिल बहुत खुश हो गया सत्य भाई को मिलके. ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मतलब मैं आपको देखता हूँ टीवी पे या उस पे वीडियो को देखता हूँ यूट्यूब पे और आपको सामने देखा, तो ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इनको नहीं जानता. आप भले मुझे नहीं जानते हो बट पर आज इन्होंने जितने सवाल मेरे से पूछे ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस आदमी के अंदर सवाल पूछने की वो होती है ना, इसका मतलब वो बहुत कुछ सीखना चाहता है. सत्य भाई मैं आज तक किसी यूट्यूबर से नहीं मिला हूँ, आप फर्स्ट हो जिससे मैं मिला हूँ और उसे मिलूंगा, लेकिन मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि मुझे सब्सक्राइब करो या मेरे फॉलोअर बढ़ाओ. नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि अपने काम के बल पर आप आगे बढ़ो और दूसरों को देख के इंस्पिरेशन लो उनसे और सीखो. मैं बस सीखना चाहता हूँ, आपकी जो स्माइल और जो आपका ब्लॉगिंग स्टाइल ना टोटली इंस्पायर्ड मी, उसकी वजह से मैं बस आपको देखता हूँ और करने का मन करता है. बहुत ही मतलब दिल से कनेक्ट वाले इंसान है. अगर इन मैं बोल देता हूँ इनके लिए कि अगर इनको आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना सत्य भाई, क्योंकि ये वो कुछ करके दिखाने की इनके अंदर ना वो है. वो आज नहीं तो 6 महीने लगे चाहे 1 साल लगे, पर वो होगा. सत्य भाई थैंक यू दिल से. मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ. अरे दोस्त, मीटअप बहुत अच्छा था सत्या भाई. अगर आप कभी इस मेरी इस वीडियो को देख पाएँ तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी कि मेरा व्लॉग आपने देखा. एंड मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप जहाँ भी रहें, जिधर भी रहें, मस्त रहें, ऐसे सक्सेस पाते रहें, जहाँ जाएँ एक कारोबार बनाते जाएँ, और होप आप जल्द ही एक अच्छे और बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने वाले हो. दैट इज़ माई बिलीव. एक पल को भी ऐसा नहीं लगा कि जिस इंसान को हम मोबाइल पर देखते हैं या टीवी पे देखते हैं और जब वो सामने आता है तो अक्सर कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे दो चेहरे होते हैं, बट यहाँ नहीं होता. सो फ्रॉम माई साइड थम्स अप एंड कीप अप द गुड वर्क, बेस्ट ऑफ लक. तो आज के ये वीडियो एंड भी सत्या भाई के स्टाइल में होगी, तो फिर इस वीडियो को बस यहीं पर एंड करने का टाइम आ गया है. सब चंगा हैगा जी, तुझसे भी अपना ख्याल रखना, असि भी अपना ख्याल रखेंगे. रब रखा वीरे, रब रखा.